अब कुछ दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी है। इस सिलसिले में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से टर्मिनेशन लेटर जारी किया गया। इस बारे में मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के एंकर पर्सन नादिर गुरमानी से। नादिर बताइए क्या डिटेल्स है, बुनियादी रुकनियत ही खत्म कर दी गई? देखिए शेर अफजल मरवत के जो हालिया बयानात हैं और माजी करीब में जो बयानात दिए गए उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा कयादत जो है वो मुत्तफिक नजर नहीं आई थी और इससे पहले भी शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी किए गए थे और वजाहत तलब की गई थी। लेकिन जो आज शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म की गई है, जो इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, उसमें ये बात भी क्लियर कर दी गई है कि शेर अफजल मरवत को इससे कबल चौकास नोटिस जारी किया गया था लेकिन वो कयादत को मुतमईन नहीं कर सके और उसका जवाब नहीं दे सके। इस वजह से अब शेर अफजल मरवत की जो बुनियादी रुकनियत है वो खत्म कर दी गई है। इसके साथ साथ क्योंकि शेर अफजल मरवत इस वक्त रुकन कौमी असम्बली भी है तो अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है पीटीआई की जानेब से उसमें शेर अफजल मरवत को ये भी कहा गया है कि वो कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्तफी हो जाए। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो पार्टी में होता यह है कि जैसे आपको याद होगा कि मुस्तफा नवाज खोखर से इस्तीफा मांगा गया था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब अगर शेर अफजल मरवत इस्तीफा नहीं देते तो फिर पार्टी के पास एक ऑप्शन होगा कि वो उनके खिलाफ रेफरेंस मूव करें, जो कि एक लेंथी प्रोसेस है। बहरहाल इस वक्त तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी है और उनको कौमी असम्बली की रुकनियत भी छोड़ने का कहा गया है। कौमी असम्बली की रुकनियत भी छोड़ने का कहा गया है। नादिर गुरमानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।